बेटा अपना ध्यान रखना और दवाई समय पर खा लेना। क्या हुआ रूपवती बहन, किस सोच में हो? मैं सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, इसी कारण स्कूल भी नहीं जा पाते व पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, और तो और डॉक्टर का खर्च भी बहुत बढ़ गया है। और यहाँ तो सभी स्वस्थ और खुश रहते हैं। यही तो हमारी जिंदगी है, ऐसा तो हमेशा से ही है और ऐसा ही रहेगा। नहीं सुषमा बहन, ऐसा नहीं रहेगा, हम इसे बदल सकते हैं। सदियों से दूसरों के घर साफ सफाई कर रहे हैं, पर अपने घर व आसपास की सफाई का तो कभी सोचा ही नहीं। तभी तो देखो हमारे क्या हालात हैं। चलो मेरे घर चलकर बात करते हैं। बहनों, सदियों से हम दूसरों के घरों में साफ सफाई कर रहे हैं, पर अपने घर व आसपास की सफाई का तो कभी सोचा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि जो सदियों से चलता आ रहा है वैसा ही रहे। अगर हम भी अपने आसपास सफाई बनाए रखेंगे तो हमारे यहाँ भी बदलाव आ सकता है। समुदाय में सफाई बनाए रखने से हम भी अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। इसके कई लाभ होंगे, जैसे कि हमारे बच्चे भी स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ आगे बढ़ सकेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब हम भी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने समुदाय में सभी से बात करें और उन्हें भी इसके महत्व के बारे में बताएं। इसके लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। हाँ, हम सब एक समिति बनाकर अपने समुदाय की साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं। नमस्ते, आज हम आपसे अपने समुदाय की साफ सफाई के बारे में बात करने आए हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जिन घरों में हम काम करने जाते हैं वहाँ तो सब खुश और स्वस्थ रहते हैं। दूसरी ही ओर हम अपने घरों में अक्सर लोगों के बीमार होने के कारण चिंतित रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे समुदाय में निरंतर गंदगी रहना है। बिल्कुल सही कहा, पर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका सवाल एकदम वाजिब है। इसके लिए हम अपने समुदाय में एक समिति बना सकते हैं। समिति के हर व्यक्ति को अपना कुछ समय निकालकर समुदाय में साफ सफाई, शौचालयों का निर्माण व उसका इस्तेमाल, और सभी को अपने आसपास की सफाई बनाए रखने व कूड़ा कूड़ेदान में डालने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हाँ, हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। हम प्रण लेते हैं कि समुदाय को साफ रखने के लिए हम सभी तरह से प्रयत्न करेंगे। जरूर, हम सभी सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने समुदाय में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए एक साफ और सुरक्षित कल का निर्माण करें। अरे वाह, अब तो समुदाय साफ लगने लगा है। बेटा अपना ध्यान रखना और दवाई समय पर खा लेना। क्या हुआ रूपवती बहन, किस सोच में हो? मैं सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, इसी कारण स्कूल भी नहीं जा पाते व पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, और तो और डॉक्टर का खर्च भी बहुत बढ़ गया है। और यहाँ तो सभी स्वस्थ और खुश रहते हैं। यही तो हमारी जिंदगी है, ऐसा तो हमेशा से ही है और ऐसा ही रहेगा। नहीं सुषमा बहन, ऐसा नहीं रहेगा, हम इसे बदल सकते हैं। सदियों से दूसरों के घर साफ सफाई कर रहे हैं, पर अपने घर व आसपास की सफाई का तो कभी सोचा ही नहीं। तभी तो देखो हमारे क्या हालात हैं। चलो मेरे घर चलकर बात करते हैं। बहनों, सदियों से हम दूसरों के घरों में साफ सफाई कर रहे हैं, पर अपने घर व आसपास की सफाई का तो कभी सोचा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि जो सदियों से चलता आ रहा है वैसा ही रहे। अगर हम भी अपने आसपास सफाई बनाए रखेंगे तो हमारे यहाँ भी बदलाव आ सकता है। समुदाय में सफाई बनाए रखने से हम भी अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं।
इसके कई लाभ होंगे, जैसे कि हमारे बच्चे भी स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ आगे बढ़ सकेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब हम भी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने समुदाय में सभी से बात करें और उन्हें भी इसके महत्व के बारे में बताएं। इसके लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। हाँ, हम सब एक समिति बनाकर अपने समुदाय की साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं। नमस्ते, आज हम आपसे अपने समुदाय की साफ सफाई के बारे में बात करने आए हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जिन घरों में हम काम करने जाते हैं वहां तो सब खुश और स्वस्थ रहते हैं। दूसरी ही ओर हम अपने घरों में अक्सर लोगों के बीमार होने के कारण चिंतित रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे समुदाय में निरंतर गंदगी रहना है। बिल्कुल सही कहा, पर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका सवाल एकदम वाजिब है। इसके लिए हम अपने समुदाय में एक समिति बना सकते हैं। समिति के हर व्यक्ति को अपना कुछ समय निकालकर समुदाय में साफ सफाई, शौचालयों का निर्माण व उसका इस्तेमाल और सभी को अपने आसपास की सफाई बनाए रखने व कूड़ा कूड़ेदान में डालने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हाँ, हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। हम प्रण लेते हैं कि समुदाय को साफ रखने के लिए हम सभी तरह से प्रयत्न करेंगे। जरूर, हम सभी सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने समुदाय में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए एक साफ और सुरक्षित कल का निर्माण करें। अरे वाह, अब तो समुदाय साफ लगने लगा है।